सी है तारे मेघा ये जमीन प्यासी है बरस के जादास है रूह प्यासी है ये रूह प्यासी है प्यासी प्यासी जमी पे रुकता नहीं बूंदों का लेखा सब मिट जाता है जाने क्या ये समा गुनगुनाता हुआ पल पल कह जाता है कारी में खा लौट गया कारी में खा लौट गया प्यासी प्यासी मेरी उदासी है लेके अभी निकलता हूँ हाँ हाँ ऊटी पहुंच कवर करता हूँ ओके Yes, Mr. Mutaya. How are you? I'm fine, George. I have decided to take over the stud farm which you had suggested to me. Okay. And in that connection, I will be sending my son-in-law to Uti. Good morning, sir. Good morning, sir. Namaste, sir. Namaste. Good morning, sir. Morning. Namaste, sir. Namaste. Good morning, sir. Morning, John. Tum 10 minute late ho. Sorry, wo Mumbai traffic, sir. Don't blame others. बैठो और घर से जरा जल्दी निकलने की आदत डालो Yes, sir. अच्छा जॉन जी मैं तुमसे तेज स्टड फार्म के बारे में बात करना चाहता हूँ जो ऊटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है जी 100 घोड़े हैं उस फार्म में और इस फार्म के मालिक हैं मिस्टर तेज मल्होत्रा फ्रॉम दिल्ली जी और यही मिस्टर मल्होत्रा स्टड फार्म बेचना चाहते हैं जी और मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टड फार्म को खरीद लूँ लेकिन सर अभी घोड़ों की क्या जरूरत नो सजेशंस आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड जॉन By the way, where's my daughter? Get out from the office. Sorry, madam. I hate sorry. काम क्या है तुम्हारा? Lift man का ना? चार बटन दबाते हो उसके लिए तुम्हें 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती है कि नहीं? तो भी आधे से ज़्यादा टाइम तो तुम सोते रहते हो. तुम्हें पता था कि मैडम के आने का टाइम है. फिर भी तुम सो रहे थे, हाँ? मैडम, मुझे माफ कर दो. गलती हो गई.
आप चाहे तो जॉन साहब से पूछ लीजिए। मुझे किससे पूछने की जरूरत नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया। जस्ट गेट आउट। मुझे फ्लोरा, तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? बेचारा बुजुर्ग आदमी है, माफ कर दो। आई सेड नो एक्सक्यूजेस। मुझे पता है इन लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। यू जस्ट कीप आउट ऑफ इट। फोन। यस मैम। पीटर। यस मैम। हैंडल हिम। क्या हुआ? प्लीज पीटर सर, मुझे बहुत चल बाहर चल चल। फ्लोरा, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? इसकी उम्र का कुछ तो लिहाज किया होता। डोंट टेल मी व्हाट टू डू। मैं कभी किसी को माफ नहीं करती। लाइक दिस। फ्लोरा, तुम्हारे और तुम्हारे बाप में जरा सा दिमाग है या नहीं? हाँ, तुम्हारे पास 100 बिजनेस है, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। तुम लोगों को ये ऊटी जाकर घोड़े खरीदने का आइडिया किसने दिया? हाँ, कौन संभालेगा बिजनेस को? इनमें से किसी भी बिजनेस को ठीक तरह से नहीं संभाला तो सब कुछ फेल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इन सबको चलाने के लिए दिमाग चाहिए। दिमाग? दिमाग? यस yes. वो तो तुम्हारे पास बहुत है ना, अब संभालो। मैं अकेले कितने बिजनेस संभालूंगा? आई एम फेड अप। अरे छोड़ो यार, जरा सा दिमाग क्या मिल गया, तुम तो हवा में उड़ने लगे। लिसन, अगर हमारी दौलत नहीं होती तो तुम्हारे दिमाग की कोई कीमत नहीं थी। क्या मस्का माफिक छोकरी लेके आया रे? अक्का, इसको हिंदी नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, हिंदी नहीं आती तो 4-5 हफ्ते रहेगी तो हिंदी तो क्या सारी भाषाएं सीख जाएगी। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा तो ऐसा कर, इसे शिल्पा के कमरे में ले जा। हाँ, तू जा कुट्टी के साथ। मीना दीवा, शिल्पा। हाँ शिल्पा। क्या है? एक नया लड़की आया, अक्का तुम्हारे कमरे में भेजने को बोला। अच्छा ठीक है, भेज दे अंदर। पो पो उल्ले पो। हाँ यार है, आ जाओ। कौन सा जोक सुना था? सरदार वाला। वही वाला? हाँ। मेरे को सुना। अच्छा। लेकिन कपड़ा पहन के। ओफो, कितना घबराते हैं लोग। अरे अंदर आना, धंधे में पहला दिन है क्या? अरे बाद में। अरे वाह, कितनी खूबसूरत हो। हाँ अब तो बस तेरा ही राज होगा तो 3 साल तक ऊटी में। हिंदी आती है ना? तमिल? अयो मोदले उकर उकर मा मोदले सोलनले। अयो और निमिष टूटी मिस्टर जॉन, आप राणा जंग बहादुर तेज स्टड फार्म का जनरल मैनेजर। चंगू मंगू। हेलो सर। मेरे लेफ्ट एंड राइट, आपका वेलकम करने के लिए बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है। चंगू गिटार प्लीज आइए। चलिए सर, आपके ससुर के बारे में सुना, वो किंग है सर। आपने मेरी बीवी के बारे में सुना? सर क्वीन है वो। ऑब्वियसली कल मैं मिस्टर मल्होत्रा से ठीक 10 बजे मिलना चाहता हूँ। सर 100 साल लंबी उम्र है, उन्हीं का फोन है। राणा। यस बॉस। एवरीथिंग ओके? ओके बॉस। जॉन आ गए क्या? आ गए बॉस। उनको फोन दो। एक मिनट बॉस। सर बॉस। कौन बॉस? मेरा बॉस मल्होत्रा बॉस। मिस्टर मल्होत्रा, जॉन डकोनो हियर। मिस्टर जॉन, हाउ आर यू? या फाइन, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। हां जी, हां जी, सब कुछ। बहुत मालदार पार्टी है सर। आपका कमरा सर। ये छोटी सी जगह कैसी लगी सर? नाइस नाइस। एक्सक्यूज मी जी, ये क्या कर रहे हैं सर? ये लो सर, आपको जो कुछ भी चाहिए उसका इंतजाम करने के लिए बॉस का हुक्म है। आपको कुछ चाहिए सर?
No thanks, it's okay. Sir, बेझिझक कहिए ना, आपको इस रूम में सब कुछ मिलेगा। तुम लोग जरा बाहर चलो। Yes sir। दरवाजा बंद करके जाना। Okay sir। सर, अरे मैंने पूछा सिस्टर है क्या? No sister, no brother. I'm single alone. और माँ? माँ? अरे क्यों? घर पर माँ भी नहीं है क्या? माँ है, मगर मगर क्या? वो क्या है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। I'm so sorry. मुझे लगा मुझे तुम्हारा वो मद्रासी इडली डोसा खाने को मिलेगा। नो प्रॉब्लम, अगली बार से। हाँ सर, आप इडली सांभर की बात कर रहे थे। ओह, आई एम सो बिग इडियट। सर, यू आर ग्रेट। इडली सांभर तो मिलेगा सर। अभी तो तुम बोले तुम्हारी माँ बीमार है। सर, वो इडली सांभर तो बना सकती है, अभी भेजता हूँ ना। थैंक यू सो मच सर। कुछ और चाहिए तो बिंदास कहिए ना। हाँ कहिए ना। वो घोड़ा मिलेगा राइडिंग के लिए? समझ गया सर। क्या आपको घोड़ा चाहिए ना? मैं अरेंज करेगा, एकदम यंग घोड़ा। थैंक यू, माई प्लेजर सर। घोड़े पे इतना रिएक्ट क्यों कर रहा था? राणा जी, पता है क्या उम्र है आपका, अभी अभी आपको याद कर रहा था। हाँ बोलो, क्या सेवा करूँ आपका? देखो भाई, हमारी ही बिरादरी का एक आदमी ना सर। सके माँ। हाँ बोलो। उसकी खातिरदारी करनी है, स्टर्लिंग होटल में ठहरा हुआ है। स्टर्लिंग में? अरे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शाम को 6 बजे मैं किसी का व्यवस्था लेकर वहाँ जा रहा हूँ। रूम नंबर क्या है उसका? अरे प्रेसिडेंशियल सूट यार। साला इन दोनों में कौन है हमारा पार्टी? सर नमस्ते। नमस्ते सर। वन सेकंड। नमस्ते सर। सर आप? सर मैं कुट्टी, कुट्टी अन्ना। वो राणा साहब बोला मेरे को आपकी सेवा के लिए। हाँ बोलो। घोड़ा लेके आया सर। अच्छा घोड़े आ भी गए? एक नहीं दो दो सर, एक एक्सपीरियंस, एक बिल्कुल एकदम ताजा फ्रेश सर। आज तक कोई सवारी नहीं किया सर। अरे फ्रेश नहीं चाहिए मुझे, बड़े अड़ियल होते हैं वो, एक्सपीरियंस वाला चाहिए मुझे। अड़ियल का बात नहीं सर, वो एकदम सीधा साधा शांत, मैं सब समझा बुझा के लाया। हाँ हाँ ठीक है सर। आदमी फ्रेश का बात करता है, आपका टेस्ट एकदम डिफरेंट सर। सर आप एक बार देख लो तब डिसाइड कर लो। कहाँ है वो? वैन में। मारुति वैन में? और क्या ऑटो में लाता सर? एक मिनट। ए रंगे रंगे सर, लाल वाला एक्सपीरियंस, काला वाला अनटच्ड, मस्त ना सर। आपके लिए सर। अरे घोड़े कहाँ है? हैं? अरे घोड़े घोड़े कहाँ है? कौन सा घोड़ा? अरे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आप किसके बारे में बात कर रहे हो सर? अबे मैं असली घोड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, गलती हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है, जा सकते हो सर। इस बहाने मुलाकात हो गया सर। सर आपको इसके अलावा ऊटी में कुछ भी चाहिए हो आप मेरे को फोन करो, मैं नेक्स्ट मिनट में हाजिर सर। नमस्ते सर। एर, एर। बोल रहा हूं। जी सर। तुम उस लड़की को मेरे कमरे में लेकर आ सकते हो? जी जी, मैं एक मिनट में लेके आता हूं सर। मस्तान भाई, एक मिनट, नया लफड़ा साला
वो बोलता है कि मैं कुन्नूर पहुंच चुका है भाभी को लेके मर्सिडीज से, और बोलता है कि 1101 में आएगा और मस्तान कुत्ता को कौन रे कान के नीचे बताएगा वो आपका ब्रदर इन लॉ। अरे एंड टाइम पे साला बीच में आ गया। आप एंजॉय करो, अब देखते हैं वो लेक व्यू कैसे क्रॉस करता है। स्कीम मस्तान भाई है तो ये है। सुन अरे आज नहीं कल फिर होएगा। नहीं मस्तान भाई, अरे काय को रिस्क लेने का, तू रेहाना का नेचर जानता है ना। अरे आपका पसीना। अरे नहीं रेहाना बहुत डेंजर है, पूरा दारू उतर गया। ए जा तू पैक बना जा। हाँ भाई बना। ए ला पैसा दे, मैं साले का खून कर दूंगा। अरे ये पैसा ले। अरे ये कल फिर होएगा रे, तू जा, रेहाना बहुत डेंजर है। कम इन। नमस्ते सर। अच्छा अच्छा, ओ अब मैं समझा सर, वो नीचे लफड़ा आप इसको रोता हुआ देखा होगा सर। सर ये लड़की पहली बार। सर आप बड़ा लोग, अंग्रेजी पीने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, हर काम बड़ा डिसेंट तरीके से करता है सर, आप इंजॉय कीजिए सर। बोलो कितने पैसे में हैं? बोलो कितने पैसे हुए? अयो ना 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 सर, राणा साहब का गेस्ट, मेरा काम खत्म, आप इंजॉय कीजिए, मैं जाता सर। एक मिनट आता हूं। मीना डिसेंटर कर उरु कंप्लेंट वरा कुड़ा। ओके हाँ सर, मैं उसको सब समझा दिया, नॉट अ प्रॉब्लम सर। वो आपको मन से कोऑपरेट करेगा, गारंटी मेरा सर। मैं आपका बीच में समय नहीं बर्बाद करना चाहता, मैं जाता सर। ओ थैंक यू सर। सर आपको जो कुछ भी चाहिए हो, जिस समय चाहिए हो, मेरे को एक फोन करो, मैं नेक्स्ट मिनट में इधर सर, मैं जाऊं सर। मेरा कार्ड आपके पास है ना सर? प्लीज। अरे खड़ी क्यों, बैठ जाओ। हा? अरे तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा बैठ जाओ। हिंदी तेरी याद क्या? तमिल कम सेट। सिट। नाम क्या है तुम्हारा? व्हाट्स योर नेम? मीनाक्षी। अरे बैठो बैठो। मीनाक्षी, मीनाक्षी शेषाद्री? हाँ इला मीनाक्षी। अरे बैठो बैठो। अरे किमाक्षी। किमाक्षी ले मीनाक्षी। हाँ हाँ मीनाक्षी। ड्रिंक? हाँ पहने सर। इधर आओ। वैना सर। अरे इधर आओ सर। वैना। I said come here. Please सर, वैना सर। रखो। सॉरी सर। हेलो जॉन। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ फ्लोरा, तुम्हारे साथ कौन है वहाँ पे? अभी विस्की के अलावा मेरे साथ कौन हो सकता है? अच्छा सुनो, डैड ने कहा है कि हर रोज मीटिंग के बाद उन्हें फोन करना और कोई भी डिसीजन खुद मत लेना। फैमिली बिजनेस तुम्हारा है, डिसीजन लेने वाला मैं कौन होता हूँ? लगता है तुम्हारा ईगो अभी तक गया नहीं है। हाँ इसे ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। अच्छा देखो अभी मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं। Thank you.
हेलो यस सर एक कप कॉफी भेज देना ओके सर हेलो ऐसे करना दो कप भेज देना ठीक है सर किमाक्षी किमाक्षी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग किमाक्षी 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 सॉरी सर अरे तुम नीचे क्यों सो गए परवल क्या परवल सर ठंड लगी थी क्या परवल फीलिंग कोल्ड अच्छा तो स्लीप ना इले परवल सर सो जाओ अरे सो जाओ परवल परवल सर परवल परवल Welcome, Mr. George. Glad to meet you, Mr. Malhotra. It's my pleasure. George Fernandez Group के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ और मैं ये भी जानता हूँ उसकी तरक्की में आपका बहुत बड़ा हाथ है वही आपसे मिलकर मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है गर्व की क्या बात है मिस्टर मल्होत्रा मैं भी आप जैसा हूँ अरे तो आपका बड़ापन है कि आप ये सब कह रहे हैं आई नो यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन MBA आपके बारे में मैं इंडिया टुडे में सब पढ़ चुका हूँ आइए बैठ कर चाय वाय पीते चलिए आइए अरे भाई कुट्टी क्या बात है बड़े खुश नजर आ रहे हो अरे तलेवा पार्टी आ गया मजा देखना मिस्टर मल्होत्रा जी ये स्टार फार्म आपके पास कितने सालों से मोर देन 10 इयर्स नाउ लगता है मुर्गा पूरी रात सोया नहीं देखो कैसा ऊंग रहा है हाँ। ए तलेवा यही मौका है साइन वाइन करा लो वरना घंटा हिलाते रह जाओ हाँ। देखा नहीं सेटिंग चालू है देखो मेरी तरफ देख रहा है नमस्ते सर और आप इसकी कीमत की क्या उम्मीद करते हैं जॉन साहब 12 करोड़ तो मिलना चाहिए आ रहा हूँ सर अरे तू कहाँ जा रहा है दो इज्जतदार बिजनेसमैन बात कर रहे हैं तू इधर रुक अरे यार कुट्टी इज्जतदार बिजनेसमैन नहीं क्या है ना तलेवा यार अरे तू इधर रुक ना अच्छा चलो मैं इधर रुकता हूँ देखना एक मिनट में वो इधर आएगा मुझे मिस्टर मल्होत्रा थोड़े डिटेल्स थोड़े और चाहिए जरूर आइए ना आइए चलिए देखा आ गया ना हमारे पास 50 घोड़े अंडर ट्रेनिंग है 17 बच्चे हैं और 8 स्टैलियंस हैं जनरेशन बढ़ाने के लिए नमस्ते सर नमस्ते सर रात को इडली सांभर भेजा था कैसा लगा सर हाँ बहुत अच्छा था थैंक यू थैंक यू की क्या बात है आज फिर भेजो नो थैंक यू नमस्ते सर नमस्ते मिस्टर मल्होत्रा हाँ सर इस फॉर्म में आपके पास स्टाफ कितना है I've got about 8 doctors और बाकी की डिटेल्स मैं आपको अभी देता हूँ अच्छा ये मेंटेन कौन करता है फॉर्म को ये राणा कुटे देख मेरे बारे में बात हो रही है मेरे ख्याल से ये राणा इस फॉर्म को मेंटेन करने लायक नहीं है क्यों ये देखिए कितनी गंदगी oh, yes. yeah, yeah, yeah. You are absolutely right. मैं एक फाइल लेके आता हूँ. Excuse me. नमस्ते सर. नमस्ते सर.
जी सर, नमस्ते सर। आप पूरा पूरा खुश ना सर? नहीं है? बिल्कुल नहीं, बहुत गंदी है। ओ, सर वो एकदम गांव का है ना, सेंट वेंट थोड़ा यूज करना चाहिए ना सर। सर मैं क्यों यूज करूं? जो बेच रहा है वो यूज करेगा ना। सॉरी सर, आज मैं आपको ऐसा माल देगा जो सेंट नहा के आपके सामने पेश होगा सर। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आप किसके बारे में बात कर रहे हो सर? मैं घोड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सॉरी सर, दोबारा गलती सर। सर सर सर, आज किसको भेजूं सर? तुम आ जाना। कितनी देर से मैं वेट कर रहा। मीनाक्षी, मीनाक्षी बाहर निकलो, बाहर आइए, कम आउट हियर, इधर आइए। क्या है ये सब? हाँ, व्हाट इज दिस? ड्रेस वॉश। अरे तुमको धोने के लिए किसने कहा था? कोई भी धो सकता था, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री, ये सब गीला, ये सब देखो। क्या है ये? एप्पल। अच्छा एप्पल है, मैंने सोचा कि आलू है। परवल है। मैं तुम्हारे कपड़े के बारे में बात कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वो दूसरे कपड़े लेके आता हूँ। क्या बात है? नहीं, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम इल्ले सर, इल्ले। मीनाक्षी। ये सर। हाँ सर। ये लो, ये पहन लो। होल्ड इट, पहन लो। यस सर। हाँ, मुझे एक फिश करी और राइस भेजिए। थैंक यू। मुझे बाथरूम जाना है। वनमश सर। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वरे वनमश, प्लीज वनमश सर। अभी जा सकता हूं मैं? हिंदी तो तुम्हें समझ में आती नहीं। परवल है। अगर तुमने परवले दोबारा बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गई? हाँ सर। हाँ ये तो समझ गई। ये क्या तुमने किया है? यू डिड दिस?
asking him, sir. Kya? Not good. Bad. Sorry, sir. तुम क्या पढ़ी लिखी हो क्या? स्कूल? टेंथ स्टैंडर्ड. तुम लड़की तो अच्छी लगती हो तो why you business love affair failure? तो फिर why? अब बस अब तो पॉइंट बाद बाद डेन வீட்டில் வேலைக்கு போகல காசு இல்லை சாப்பிட இல்லை நோ ஃபோன் நோ ஒர்க் அப்போ 10,000 லோன் கடன் வாங்கிட்டார் அவங்க அம்மா ஊக்கு முன்னால வீட்டை தூக்கி காச்சு ஓகே तुम अच्छी लड़की हो डोंट वरी तुम अच्छी लड़की हो ये लो मुंह धो लो जाके हाँ मेरे को नहीं मालूम मेरे को क्यों बुलाया अब मैं देखता हूँ ना मस्तान भाई मैं इधर ही है बात को समझने का ना अरे उसकी माँ का ना का मैं अभी फोन करता आपको नमस्ते सर साला हमको क्यों बुलाया मीना अन्ना इप्पे बरा है आपने मेरे को बुलाया सर सर कुछ दूसरा व्यवस्था बोलो तो अभी एक फोन करूं 10 मिनट में सब अरेंजमेंट बुलाऊं सर एक मिनट रुको साला कोई लफड़ा तो नहीं देखता हूं ओह क्या खुशबू है என்னமா நல்லா இருக்கியா அவ ரொம்ப நல்லா வரணா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே இல்லண்ணா அவர் என்ன ஒன்னும் பண்ணல உன்ன பண்ணலையா ஆமாண்ணா நான் நல்லா தூங்கிட்டேன் இரு இரு இப்ப வர சாலா அபி சம்ஜா கியூ புலாயா மேரே கோ 6 தின் ஓர் மே உட்டி மே 6 தின் யே லட்கி மேரே சாத் சர் சர் வோ போலா கி யே லட்கி கரீப் ஹே इसके पास पैसे नहीं है इसलिए ये इस धंधे में आई जी जी मेरे पास पैसे काफी है तो अगर मेरे पैसे से ये 6 दिन और इस धंधे से बच पाती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे को लगता है कि आप पैसा का साथ साथ यहाँ से बहुत बहुत बड़ा है सर दिल का बहुत बड़ा है आप पियोगे मैं आज पिएगा सर हैप्पी जी चीयर्स सर मिस्टर मल्होत्रा जी आपकी फाइल्स की डिटेल्स पढ़ने के बाद और आपकी फार्म की हालत देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको 12 करोड़ मिलेंगे मिस्टर जॉन करंट रेट्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा है नहीं वो तो है लेकिन आपके फार्म को रेनोवेट करने में ही मेरे 50 लाख लग जाएंगे देखिए आदमी अपनी चीज़ को तभी बेचता है जब उसको कोई प्रॉब्लम होता है आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है मैं कुछ समझा नहीं देखिए आप अगर एक एक्सपीरियंस स्टड फार्म मैनेजर को हायर करें तो आपके फार्म को रेनोवेट भी करेगा और ठीक तरीके से मेंटेन भी करेगा अपनी तरफ से मैं दोनों ऑप्शंस के लिए ओपन हूँ जॉन साहब एक बात कहूँ मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए और आपके ससुर जो है ना बहुत ही लकी आदमी है कि आपके जैसा दामाद मिला है उन्हें
उनसे ये बात मत कहिएगा। आइए चलो हटो 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 भाई। Excuse me. क्या कर रहे ले? चल ले। ये ना सोले पा। रे, बोले ना पनीर टिके। इधर होटल आ, ये ले उंगे बीड़ा। ये क्या कर रही है? उर मीन कुलाम में बच्चा है ना तब्बो? उंगा बीट ला पॉय भाई। आड़ा? Excuse me. क्यों चलाने इनके ऊपर? क्या किया उन्होंने? सर, सर ये देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए। देखिए। ये फाइव स्टार होटल का कमरा है और ये यहाँ मच्छी पका रही है। हाँ हाँ ठीक है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इनसे गलती होगी दोबारा नहीं होगी। अभी आप जा सकते हैं, अभी आप जा सकते हैं। ओके सर, कम ऑन बॉयज, प्लीज आप भी जाइए। ये सब धुआं निकाल के तुम फटाफट नीचे आओ। जी सर। चलिए आप लोग। पारंग कतरा ब्लू सर। शट अप। तुमने क्या इसको रसोई घर समझा हुआ है? कल तुम यहाँ पे कपड़े सुखा रहे थे और आज मछली बना रहे हो। ये फाइव स्टार होटल है, यहाँ पे मछली बनाना अलाउड नहीं है। पहले इसको नीचे करो, नीचे करो। कौन दिया तुमको ये मच्छी और ये मसाला? कौन लेके आया? Who got? यहाँ पे तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग के बच्चे इधर आइए। यस सर। वो तुम्हारा मैनेजर इनके ऊपर चिल्ला रहा था और तुम वहां पे चुपचाप वो पंखे के नीचे खड़े थे। सर मैंने मैडम से कहा था कि होटल के कमरे में मच्छी नहीं बनानी चाहिए, मगर मैडम ने कहा कि कल आपको होटल की मच्छी पसंद नहीं आई थी तो जिद करके मुझसे सारा सामान मंगाया। I'm sorry, sir. आप रो किस लिए रहे हैं? आपको मैंने ऐसा क्या कह दिया? सर मैंने मैडम से कहा था कि होटल। अच्छा अभी ठीक है, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। yes. अभी आप जा सकते हैं। yes, sir. लो ये देखो, कितने अच्छे लग रहे हो। ऐसा लगता है चेहरे पर रखकर मछली बनाई है। जाओ मुंह धो के आओ। अरे हिमाक्षी। हिमाक्षी ले सर, मीनाक्षी। बस एक यही बात तुम सही बोलते हो। ये लो तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेके आया, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। सट्टा? हाँ? ब्लाउज सर। अरे इसमें ब्लाउज नहीं होता, ये ड्रेस है। अयो चिन्नदा इरुके सर, वेक्कमा इरुके। क्या? स्मॉल सर, शाही। अच्छा ठीक है, ये एक और ड्रेस लेके आया हूँ, ये तो बहुत ही अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। अयो सर। अब क्या है? वेरी स्मॉल सर, वेरी वेरी शाही। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। ओके अभी मुंह धो के आओ, मुझे भी नहाना है। बीवी का फोन है, नहीं उठाना मुझे। सर इम्पोर्टेंट मैटर सर। अरे मुझे मालूम है क्या इम्पोर्टेंट मैटर है, तुम वापस रखो। कीप इट बैक, कीप इट। अभी तुमको क्या मालूम वो रात को 10 बजे फोन करके क्या करने वाली है। अरे मीनाक्षी जरा लाइट बंद करना। फोन अवॉइड करके एक वेश्या के साथ? छोड़ूंगी नहीं फ्लोरा।
सर इन्ने सर सर ड्रीम सपना बैड ड्रीम वर्णम शे सर सर What is this? Sir, Swami Mantra. Sir, Amma na. Achcha, Taviz. No bad dream. Achcha. Tunga. Huh? Sleep. सुनो यस सर लड़की क्या गा रही है सर भगवान श्री कृष्ण को सुलाने के लिए यशोदा मैया जो भजन गाती थी ना ये वही भजन है हेलो हाय जॉन हाय बस एक मिनट हाँ ब्राउन हेयर का तुम ऊपर जाके कपड़े देखो हाँ हाँ सर फ्लोरा जब भी फोन करती हूँ एक मिनट एक मिनट चक्कर क्या चल रहा है वहाँ पर रात को फोन किया था कहा क्यों नहीं अरे वो रात को बहुत ठंड हो जाती है ना इसलिए जल्दी सो जाता हूँ वो सुबह फोन किया करो ना हाँ ठीक है मेरे लिए उठी से क्या खरीदा तुमने अरे तुम्हारे लिए एक बहुत ही क्यूट नेकलेस लिया है व्हाइट डायमंड में अरे मैंने तो वो ब्लू डायमंड वाला नेकलेस बोला था वो क्यों लिया तुमने अरे वो ढूंढा काफी लेकिन नहीं मिला वो मैं दोबारा कोशिश करता हूँ चलो मैं रात को फोन करती हूँ उठाना अरे रात को नहीं बाबा सुबह फोन करो ओके ओके बाय मीनाक्षी हाँ सर सॉरी सर इट्स ओके सुपर नेकलेस सर ரொம்பா அழகா இருக்கு ரொம்பா அழகா இருக்கு ரொம்பா அழகா இருக்கு வெரி பியூட்டிஃபுல் சார் हां हां मालूम है मुझे मालूम है इट्स वेरी ब्यूटीफुल लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है ये मेरी बीवी के लिए है वो सब तुम्हारे लिए है फॉर यू और आज शाम को बाहर खाने पे जाना है ओके ओके सर अरे ऐसे नहीं कपड़े बदल के चेंज क्लोथ ओके वन सेकंड अभी ये एक ही ड्रेस कितने दिन पहनोगी हां ओके सर सुनो मीनाक्षी हाँ सर इसे पहन लो इधर ये स्लिप्पा है विलंद्र वे सर पारिंग को अरे संभाल के हाय आंटी नाइस कपल मुझको माथे पर ठंडी ठंडी सी पहली बूंद की अशर्फी मिल गई ठंडी ठंडी सी हाँ ठंडी ठंडी सी पहली बूंद की शर्फी मिल गई मेरी जिंदगी में
ठंडी से पहली बूंद की अशर्फ मिल गई मेरी जिंदगी में तुम कुछ आए इस तरह के जैसे गांव से सावन गुजर गया ठंडी ठंडी सी हाँ ठंडी ठंडी सी मिलता नहीं आँख से सामने आए तो दूर से चाहे तो भी सुनाए मेरा ठंडी ठंडी सी हाँ ठंडी ठंडी सी पहली बूंद की अशर्फ मिल गई मेरी जिंदगी में तुम कुछ आए इस तरह के जैसे गांव से सावन गुजर गया ठंडी ठंडी से ठंडी ठंडी से पहली बूंद की अशर्फ मिल गई छोटी सी चोट है कुछ नहीं हुआ वन मिनट सर वन वीक डोंट वेयर ओके गुड शॉट ये क्या है लगता तो गुड शॉट होता सर ऑटो हाँ फैंटास्टिक शॉट फैंटास्टिक शॉट सर बॉल लेके आओ बॉल लेके आओ मैं हाँ 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 ओ हाय हाउ आर यू मिस्टर जॉन वेरी गुड मिस्टर मल्होत्रा दरअसल आपने जो मुझे बिजनेस एडवाइस दी थी उसमें मिस्टर मल्होत्रा वो एडवाइस नहीं थी अच्छा बिजनेस टिप ही समझिए उस बात को लेकर मैं दो रात तक सो नहीं पाया और बहुत सोचने के बाद मैं ये डिसीजन पर आया हूँ कि अगर मैं अपने स्टड फार्म को मेंटेन कर कर बेचता हूँ जैसे कि आपने कहा है तो उसमें मेरा भी फायदा है और खरीदने वाले का भी क्यों आपको क्या लगता है गुड डिसीजन फैंटास्टिक शॉट सर मिल गया फिर भी एक्सक्यूज मी या हेलो हाँ कैसे हो जॉन वेरी गुड सर व्हाट्स हैपनिंग फर्स्ट क्लास चल रहा है और मिस्टर मल्होत्रा भी काफी अच्छे इंसान है अरे मल्होत्रा को खरीदना है क्या मुझे ये बताओ कि वहाँ के घोड़े कैसे हैं वो स्टड फार्म कैसा है वो घोड़ों की कीमत क्या है क्या वो घोड़ों के लिए हाथी के दाम तो नहीं लगा रहा नो सर फार्म हाउस काफी अच्छा है और घोड़े भी काफी अच्छे हैं और दाम भी एकदम नॉर्मल है तो फिर एडवांस देकर उसे खरीद क्यों नहीं लेते तुम सर मिस्टर मल्होत्रा सोच रहे हैं कि फार्म हाउस को थोड़ा डेवलप करके और फिर बेचा जाए डेवलप करके ये जरूर वाहियात आइडिया तुम्हारे दिमाग से निकला होगा नहीं सर नो सर व्हाट नो ये तुमने आइडिया दिया होगा ताकि वो तुम्हारे दिमाग को प्रेस करें और ये कहें कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिजनेसमैन जॉन इज इजंट इट सर लिसन सर जस्ट शट अप
don't forget that you are not the boss, but a mere representative of the boss. Sir. Mr. John? Any problem? No, everything's all right. See you later. Okay. Bye. Bye. हेलो रिसेप्शन, दिस इज जॉन डिकुना, मेरे कमरे में ट्रांसफर कीजिए। सर वो आपके रूम में गेस्ट नहीं है। क्या? हाँ, वो बाहर गए हैं। अच्छा, अगर बॉम्बे से कोई फोन आता है तो मेरे कमरे में ट्रांसफर मत करना, ओके? ओके सर। थैंक यू। सर 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 हल्दी नहीं अभी नहीं सर 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 और वाटर पाउडर कहाँ गए सर मैंने बोला ना अभी नहीं सर हेलो सर प्रिंस ज्वेलर्स से बोल रही हूँ प्रिंस ज्वेलर्स सर आपने ब्लू डायमंड के लिए कहा था ना हाँ अभी मैं ब्लू डायमंड के लिए नहीं आ सकता लेकिन बाद में आऊँगा ओके ओके थैंक यू बाय नेकलेस जो मैंने अपने पीवी के लिए खरीदा था तुम इसे देख रहे थे तुम्हें पसंद भी था हाँ अंगर के सर नहीं वहाँ पे नहीं मैं देख चुका हूँ अंगदार के सर अरे मैंने बोला ना वहाँ पे नहीं मैं देख चुका हूँ ये निकटतरिया था क्या एक तरतरिया एक तो तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती कुट्टी हाँ, फटाफट मेरे कमरे पे आइए सर एक दवा कुट्टी अन्ना मैं फोन करता ना नमस्ते सर बड़े अर्जेंट सर हाँ देखो तुम्हारी उस लड़की से मैं बात करके तंग आ गया हूँ उसे पूछो कि वो नेकलेस कहाँ है कौन सा नेकलेस सर तुम्हें नहीं मालूम उसे मालूम है उसे जाके तमिल में पूछो कि वो नेकलेस कहाँ पे है मीना அந்த நெக்லஸ் நீ எடுத்தியா சத்தியமா நான் எடுக்கல அண்ணா போய் சொல்லுங்க அண்ணா சார் வோ கசம் காதா வோ நீ லியா ஹோகா சார் தோ கிஸ்னே லியா ஹோகா கமரே மே சிர்ஃப் வோ தி யா மே தா கோய் கவ்வா அகேலே கியா கியா நீ சார் வோ ஐசா நீ கர் சக்தா ஹா தோ ஃபிர் பரோசா கரோ சார் மேனே உஸ் பே காஃபி பரோசா கியா அகர் வோ முஜ்ஸே நெக்லஸ் மாங்தி தோ மே ஏக் நஹி 10 தேதா லேகின் முஜே கோய் சீட் கரே யே முஜே பர்தாஷ்த் நீ ஹை சம்ஜே ஐசா மத் போலியே சார் வோ चीटर नहीं सर ईमानदार है सर चीटर होता चीटिंग वीटिंग करके गांव में गुजर बसर करता हाँ बहुत भरोसा है तुम पर तो बताओ कहाँ गया वो नेकलेस मैं कैसे बताऊँ नहीं मालूम ना अभी मैं बताता हूँ कहाँ गया
तुम यही बैठ। सर सर प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी पुलिस बताएगी कि वो नेकलेस कहाँ। सर शी इज वेरी पुअर। सर प्लीज आई रिस्पेक्ट यू सर। जरा पुलिस स्टेशन मिला के दीजिए। सर डोंट कॉल प्लीज। कम इन। एक्सक्यूज मी सर। सर ये हाउसकीपिंग बॉयज को रूम क्लीन करते समय मिला सर। सर ऐसे कॉस्टली आइटम्स रूम में मत छोड़ा कीजिए। हमारे पास लॉकर्स हैं, अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ओके थैंक यू। माय प्लेजर। ऐसा नहीं है। I'm sorry, कुटी। देखो इसे यहीं रहने दो, तुम जाओ। आपने दिल दुखाया सर। मैं बोला ना सॉरी। ओके इर इर I'm very sorry। जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें रुलाया, अभी वो मैं तुम्हें देता हूं। नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। अभी तुम सो जाओ। Promise, I not take this, sir. मालूम है मुझे, मैंने दिया है। When sir, when sir. It's okay. It's okay. I'm sorry about yesterday. No sir. You are Nirumba Arga Irike. Sir, Tamil sir. Kunjum. सुपर सर सुपर। पर वाले ओके सर हैप्पी सर अमर कार्टन बोला है सर। क्या शिल्पा अकड़ शिल्पा को दिखाना चाहती हो? जाओ। सॉरी सर। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? इजी सर, रोड क्रॉस करनी इजी। नहीं ऐसे नहीं जा सकते। पहले कपड़े बदलो, चेंज क्लोथ्स, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके सर। நல்லா இருக்கா அக்கா? அக்கா அக்கா நெக்லஸ் அக்கா பாரு ஆட்டோ ஆகேசே. ஓய் சூப்பர்டி. அவருக்கா ரொம்ப லக்கி. வாமா அக்கா, நான் கார்ல வந்தேன் தெரியுமா? பிரியா உட்காரு.
अरे यार रुको 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 रुको, पहले मुझे बात करने दो। पहले ना करता रहे। नेकलेस। अरे मयूरी, तूने मीनाक्षी का नेकलेस देखा क्या? हाँ ज्योति, कितना सुंदर नेकलेस है ना उसका। अरे कितनी लकी गर्ल है यार वो। ए, क्या हंगामा लगा रखा तुम लोगों ने? हाँ अरे मीनाक्षी तू यहाँ? तेरे लिए तो मैंने कल की पार्टी बुक कराई थी और तू आज ही आ गई। और हाँ, वो तेरी मुंबई वाली पार्टी का क्या हुआ? वो तो कल जाने वाली थी ना, आज ही चली गई क्या? दिया सबको, अच्छा लगा उनको। टेनिस खेलोगे? ओके, मैं जरा चेंज करके आता हूं। अरे मैं काफी देर से देख रहा हूं कि तुम खामोश हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर, ऊटी, वन वीक, प्लीज सर। अरे बाबा, एक हफ्ता और ऊटी में कैसे रुक सकता हूँ? कल मेरी जरूरी मीटिंग है दिल्ली में। सर, वन डे। अरे बोला ना कल जरूरी मीटिंग है दिल्ली में, टुमारो मीटिंग। सर सर, नो प्रॉब्लम, स्टे हियर, वन मिनट सर, वन मिनट प्लीज सर, वन निमिष सर, प्लीज सर। मालूम नहीं क्या करने वाली ये लड़की। अरे ये तो बड़ी अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर, इसको मना क्यों कर रहे थे फिर? ऐसे करो, ये तुम रख लो, कीप इट। सर सर सर, अब क्या है? वर्णमश सर, ये तो और भी अच्छी लग रही है। मैंने तो उसी दिन कहा था ना, ऐसे करो इसी भी रख लो, कीप इट। सर, अरे अब क्या है? अरे वर्णमश सर, इससे ज्यादा छोटी ड्रेस नहीं मिलेगी। सर प्लीज सर, वर्णमश सर, प्लीज सर। You're looking really stunning. आज हम लोग एक स्पेशल डिनर पे जाते हैं। मैं जरा चेंज करके आता हूँ।
कारे मेघा ये जमीन प्यासी है, बरस के नैन खाली है, जान प्यासी है, मेरी जान प्यासी है, प्यासी प्यासी सारी वादी है। चांदकुना जॉन साहब, मैं मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ मल्होत्रा साहब, बताइए कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, दो दिन रुक के जाइए ना। अभी जाने का दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, दिल्ली में जरूरी मीटिंग है। वैसे आप वापस ऊटी कब आ रहे हैं? हाँ अभी एक हफ्ते में आता हूँ मैं, तब मिलता हूँ। थैंक्स सो मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी। माय प्लेजर। थैंक यू, बाय। हेलो रिसेप्शन। यस सर, मे आई हेल्प यू? हाँ जी, 10 मिनट में किसी को भेजिए मेरा सामान लेने के लिए और मेरा बिल बना के रखिए। जी सर। थैंक यू।
मीनाक्षी। हाँ ये रखो। वैना सर। अरे रखो ना सर। वैना तो बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। हाँ? अरे कुछ तो बताओ। मेरे बड़ी ऊटी के वरा देंगे ये पाक है देंगे। डोंट कम ऊटी डोंट मीट मी। क्यों? मैं नॉट गुड Don't meet. You don't meet. पार कहीं जिन टीलों पे उगते हैं यादों के छिन पल छिन डूब गए वो दिन उन टीलों के पार कहीं जिन टीलों पे उगते हैं यादों के छिन पल छिन।
पांव में पहने हुए धूप थी पेड़ पर जा चुकी डूब गए वो दिन उन तीरों के पार कहीं। जॉन फ्लोरा, मैं बस 10 मिनट में कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ, तुम मुझे 2 घंटे में रिसीव करना। नॉट पॉसिबल, मैं दिल्ली जा रही हूँ। क्या, लेकिन हम दोनों साथ जाने वाले थे ना? था, लेकिन डैड तुमसे बहुत नाराज है क्योंकि तुम्हारी वजह से उन्हें जो ऊटी के बिजनेस में नुकसान हुआ है वो नहीं चाहते कि दिल्ली के बिजनेस में भी उन्हें हो, इसलिए दिल्ली मैं खुद जा रही हूँ। तुम्हारे जो दिल में आए करो, ओके बाय। राजू गाड़ी वापस घुमाओ ऊटी की तरफ। अरे कहाँ मर गई वो, कहाँ है वो? अरे अक्का बाथरूम में है ना। क्या हुआ, क्यों रो रो रही है? वनुष सर क्यों? प्लीज। अरे आधे घंटे के बाद 2 मिनट ले लेना ना। प्लीज सर बाथरूम। अच्छा अच्छा जा मुंह धो के। हेलो सर, कुट्टी बोल रहा हूँ। अरे बाबा मीनाक्षी कहाँ पर है? सर मेरे को मालूम नहीं था कि आप वापस आओगे, मैं उसको अभी मोनार्क छोड़कर आ रहा हूँ। अच्छा मैं मोनार्क पहुँचता हूँ। अच्छा सर मैं भी पहुँचता हूँ। कुट्टी किधर है तू? अरे पूछ यार मीनाक्षी कहां पे है। तो कहां है? पड़ी हॉस्पिटल में साली। हॉस्पिटल में क्यों? सिस्टर वो मीनाक्षी वो सामने वाले रूम में है। देखिए आप लोग अंदर नहीं जा सकते, अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। आप लोग कौन है? मैं कुट्टी अन्ना ब्रदर। ओके अब यहीं रुकिए। पेशेंट के हाथ में ये लेटर मिला है और डॉक्टर जाने के बाद आप लोग अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। क्या लिखा है? अरे गुटी क्या लिखा है इसमें? वो लिखा है कि वैश्या के खून में फीलिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा वो अक्का ने कहा था। शरीर है खून है तो फीलिंग है, और जब जान ही चली गई तो शरीर का खून का फीलिंग का क्या मतलब है? अरे पागल, एकदम पागल। अन्ना को बताना तो चाहिए। हराम जाती अक्का। सर क्या सिचुएशन सर? आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो 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 सर। तुमने ऐसा क्यों किया? निकट तरुण भी वरुण गन्ना, यह निकट तेरी आदत।
क्या देख रही हो तुम? अच्छी लगी ये जगह? बहुत अच्छा सर। सर होटल नहीं? नहीं, यहाँ पे तुम कपड़े धो सकती हो, मछली बना सकती हो, जो दिल में आए कर सकती हो, जो मांगना है मांग सकती हो। जाओ अंदर जाके देखो। गो इनसाइड। सुपर। हिंगे इतना ना? नाउ कितना दिन? 7 दिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओनली 7 डेज? ये हमारे लिए 7 दिन नहीं, हमारे लिए 7 जन्मों के बराबर। तुमको मालूम है एक दिन में कितने पल होते हैं? हर पल में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। सितारे मिले, गिन के देखो जरा, एक तुम मिल गए और पल कितने सारे मिले। 7 दिन भी मिले, 7 रातें मिली और सूरज सितारे मिले, गिन के देखो जरा, एक तुम मिल गए और पल कितने सारे मिले। 7 दिन ही सही, ये भी कम तो नहीं। कच्चे धागों में ही पक्के रिश्तों की गर, कच्चे धागों में ही पक्के रिश्तों की साथ कड़ियां मिली होती तो। 7 दिन भी मिले, 7 रातें मिली और सूरज सितारे मिले, गिन के देखो जरा, एक तुम मिल गए और पल कितने सारे मिले। 7 दिन ही सही, ये भी कम तो नहीं। लगाए हुए लाएगा जब जमी पे तुम्हें, हवा पे बिठाए हुए। 7 दिन के लिए आसमां से कहो, 7 दिन के लिए आसमां से कहो, पहाड़ी किनारे मिले। 7 दिन भी मिले, 7 रातें मिली और सूरज सितारे मिले, जिनके देखो जरा, एक तुम मिल गए और पल कितने सारे मिले। 7 दिन ही सही, ये भी कम तो नहीं। कुछ नहीं होगा। तुमको मालूम है इस जगह को क्या कहते हैं? नहीं सर। इसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं। यहां से प्रेमी कूद के अपनी जान दे देते हैं
और फिर सीधा स्वर्ग पहुंच जाते हैं। कूदोगी? हाँ सर। जाऊं? जाऊं सर। कूद जाऊं? कूद जाओ। सच्ची? कूद जाओ। नाइस पीस। नया मॉडल है सर, इटालियन मेड, वेरी पावरफुल। लेकिन हमें फ्लोरा के लिए एक बहुत ही स्लीक और हैंडी पीस चाहिए। ये देखिए ना सर, ये वाला स्लीक एंड हैंडी पीस। हाय डैड। आहा, माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, वेलकम होम, वेलकम। हाउ आर यू डैड? फर्स्ट क्लास। अब ये बताओ कि तुम्हारी जर्नी कैसी रही, तुम्हारी वो दिल्ली वाली मीटिंग कैसी रही? ओह, ग्रेट जर्नी एंड ग्रेटेस्ट मीटिंग डैड। यू नो वो दिल्ली वाले आपके साथ मंडे को एमओयू साइन करने आ रहे हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। वाओ, इट्स मैनली, आई लव इट डैड। दिस पीस? यस, दिस पीस। एक्चुअली ये मर्दों के लिए मैडम, इसे हैंडल करना आपके बस की बात नहीं है। ये देखिए पीस, आपके फादर ने आपके लिए पसंद किया है। इज इट? जी। यस डियर, दिस वन। आहा, वन सेकंड। Good shot. Dad, I can handle this. Get it for me. You got it. Thank you. Dad, John aa gaya kya? Bhai, mujhe to malum nahi, lekin usne tumhe phone nahi kiya? No. Pata nahi uti mein wo abhi tak kar kya raha hai. क्या गिन रही हो? तीन दिन गया। लेकिन अभी चार दिन बाकी है। मिस्टर जॉन, वेलकम। बेस्ट विशेस। थैंक यू। अरे मैडम, आप अंदर क्यों बैठी हैं? बाहर आइए ना, कम प्लीज, कम कम। प्रिया, तुम इन्हें ले जाके सबसे मिलवाओ। ओके। ओह, आई एम सॉरी, ये मेरी धर्म पत्नी है। नमस्ते जी। नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। ओके, एंजॉय योरसेल्फ्स। ओके, आइए। वेल, लेट्स हैव अ ड्रिंक। ये है मेरे दोस्त रिया, लक्ष्मी, सावित्री। वणक्कम। और ये पूजा। हेलो। और ये रीमा। हाय। और रीचा। हेलो। आप कैसे हैं? अभी बात करते हैं। हाँ, सही कहा। भाभी जी। हाँ, इधर आइए ना। किसको ढूंढ रही हो? जॉन को? अच्छा, एक बात बताओ, जॉन के जाने के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम रहेगा? बोलो ना। अरे जान, कहिया विड़। अरे एक्सक्यूज मी, क्या कहा उसने? वनिले सर। मैंने पूछा क्या कह रहा था वो? सर कुछ। व्हाट डिड ही से? आप जाने बाद वो वन मिनट सर, मैंने कहा एक मिनट, यही रुको। वेरे सर, सर राणा। यस सर। वॉच इट साला। चलो यहां से।
सर मैं राणा को छोड़ेगा नहीं, मैं राणा को छोड़ेगा नहीं सर। वो कुत्ता जो हरकत किया, मैं इंस्पेक्टर राजेंद्रन को फोन करके मैं उसका घर नीलाम नहीं कराएगा, मैं साले का घर कुदवाएगा, पूरा घर पूरा परिवार को कड़ी पहनाएगा। कुट्टी एक मिनट सर, मैं बात करता ना सर, फोन बंद है सर, जब से कुत्ता हरकत किया तब से फोन बंद। ये फोन उठा उठा तेरी माँ का नाका उठा। सुनो, इस बात का परमानेंट हल सोचना पड़ेगा। अरे सर अक्का हमारा बात कैसे समझेगा? कुट्टी मैं उसको इस गंदगी में छोड़ के एक पल भी शांति से नहीं रह सकता हूं। मैं कैसे समझा सकता हूं उसको? देखो हॉस्पिटल में क्या बोले तुम? अरे सर हाँ क्या बोले कि मीनाक्षी तुम्हारी बहन है, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते तुम? मैं करेगा सर, यू डोंट वरी सर, वो मानेगी तो जिंदा रहेगी, नहीं तो साली मरेगी, मैं काट डालेगा उसको, चिंता ना करो सर। देखता सर मैं अक्का का तकदीर क्या बोलता है। राणा साला तेरे को तो छोड़ेगा नहीं, मैं अभी तक बंद है सर, आज ये ओपन भी नहीं करेगा कुत्ता सर। बाय सर। जब तुम्हें मालूम पड़ेगा हम कल कहां जा रहे हैं तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। अरे पूछो तो सही, कहां? वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। सर कहां जाता सर? मैं तुम्हें नहीं बता सकता सर। अभी क्या है सर? आई ओपन सर। नो, मैं तुम्हारी आंख की पट्टी नहीं खोल सकता। सही सही निगा उन्हें अब कवर मुझे पार। अभी क्या कहा तुमने? मैं नहीं बता सकता। अम्मा हिंगवाई। आप हमारे गांव के इस छोटे से पोस्ट ऑफिस में इतनी बड़ी रकम जमा करवाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मंथली इनकम स्कीम के तहत मीनाक्षी के परिवार को 3,500 रुपया प्रतिमाह मिलता रहे। मीनाक्षी मासंग 3,500 रुपीज, फैमिली को कड़े कुम। मीनाक्षी इवलू पैसा कुड़कुड़ा रे यार ऊपर सुना? क्या पूछ रहे हैं? अरे बताओ ना क्या पूछ रहे हैं ये? कुछ नहीं। शर्मा रही है। अरे मीनाक्षी तुम बताती क्यों नहीं हो कि वो क्या कह रहा था? प्लीज सर कुछ नहीं सर। ओ सुनो हा? मैं कितनी बार पूछ चुका हूँ तुमसे? सर छोड़ो सर, सर मैं नहीं बताऊंगा। चलो वो पोस्टमास्टर क्या कह रहा था तुमसे? सॉरी सर, ना नहीं बताऊंगा।
नहीं बताओगी? सॉरी सर। ठीक है। सर 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 सिगरेट सर। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं तो पीऊंगा। सर लास्ट डे सर, नो सिगरेट सर प्लीज। तो फिर बताओ वो क्या कह रहा था? सर पोस्टमास्टर पूछा आप मैं हस्बैंड वाइफ के। और तुमने क्या कहा? सर सॉरी सर, गलती हो गया सर, मैंने हाँ बोला सर, सॉरी सर। तुमने हाँ बोला? सॉरी सर, गलती हो गया सर, ओनली सर। मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। सर क्या बोलता सर? आपके लिए मैं जान दूंगी सर। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। सर मेरी कसम खाओ। सर हाँ? वन मिनट सर। कहीं जाना है तुम्हें? सर वन निमिष सर, वन निमिष। भगवान आज आखिरी दिन है, उनके जाने के बाद उनकी यादों के सहारे मैं जी लूंगी। वो अपने परिवार के साथ जिंदगी भर खुश रहे यही मेरे लिए काफी है। लेकिन भगवान तुझसे सिर्फ एक विनती है, मेरे कोख में उन्हीं का एक रूप हो, मेरी प्रार्थना सुन लेना भगवान, मुझे आशीर्वाद देना, फिर मैं कभी तुझसे और कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं मांगूंगी मैं। फ्लोरा तुम क्यों? सोचा नहीं था अचानक कोठी में तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो वो मैं देखने आई। क्यों शर्ट नहीं पहनी? ऊटी में पसीना आ रहा है। चलो फ्लोरा अंदर आ जाओ। फ्लोरा क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? फ्लोरा बात तो सुनो। फ्लोरा क्या? फ्लोरा फ्लोरा वो ये शर्ट तुम्हारी है या पजामा इसका? कौन है ये लड़की? फ्लोरा ये मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए भेजा था? काम करने के लिए? इज्जत से बात करो फ्लोरा। मुझे मत सिखाओ कि मेरी लिमिट क्या है, तुम्हारी लिमिट क्या है। हाँ ठीक है मैं उसे निकालती हूँ। फ्लोरा लिसन। फ्लोरा कहाँ है तू साली? फ्लोरा बाहर निकल, बाहर निकल तू साली। और कोई मिला नहीं क्या तुमको? फ्लोरा क्या? महारानी ने तो कपड़े पहन लिए। फ्लोरा ये क्या? फ्लोरा कंट्रोल योरसेल्फ। क्यों इसको हाथ लगा तुम्हें तकलीफ हो रही है? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फ्लोरा जॉन जॉन डिकूना यू तुमने एक के लिए मुझे थप्पड़ मारा, अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके पहले तो मैं इस साली की तो हालत बिगाड़ दूंगी। बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास। हाउ डेयर यू? कम ऑन गेट अप। छोड़ूंगी नहीं जॉन। बाहर निकलो। बहुत हो चुका। गेट बोथ ऑफ यू। हाउ डेयर यू? बाहर निकलो। मेरा एक पति मिला था तुझे सबके बीच में। जॉन अंदर बैठो। लीव मी। किल यू। अंदर बैठो। डेयर यू? हाउ डेयर यू ट्रीट मी लाइक दिस जॉन।
तुमसे जो होता है कर लो, नाउ गेट लॉस्ट। चुप। वाइफ के पास जाओ आप। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। सर आप। ये दिल अजीब है, कहता है ना बोलता है। ये दिल अजीब है, कहता है ना बोलता है। सहता रहता है सभी रंजो गम तो लेता है। ये दिल अजीब है, कहता है ना बोलता है। सहता रहता है सभी रंजो गम तो लेता है। पता नहीं वो जॉन के बच्चे ने क्या किया है। मैं उसकी जिंदगी इतनी हराम कर दूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। You don't have to worry at all. मैं कल सुबह उठे पहुंचा। कल सुबह नहीं, आज आओ, अभी आओ, जल्दी आओ, please dad. Okay dad, मैं अभी उठे के लिए निकलता हूँ। बीती घड़ी लौट कर जा चुकी, वो जिंदगी अपने घर जा चुकी। आंसू को बह जाने दे, अब की बार कह जाने दे। जीना है मुझको यहाँ, ये दिल अजीब है, कहता है ना बोलता है। सहता रहता है सभी रंजो गम तो लेता है। ये दिल अजीब है। மீனா நல்லா இருக்கியம்மா? ஹாய் மீனா. ஹ சார், சார் நமஸ்தே சார். நல்லா இருக்கா? அக்கா கா தக்தீர் பஹுத் அச்சா நிக்லா சார். வோ ஹா போல தியா ஔர் போலா பைசே கா கோய் ஜரூரத் நஹி, வோ குஷ் ரஹே தோ காஃபி ஹே. சார் மை கைசே இஸ்கோ காவ் சே ரோதே ரோதே லாயா தா, ஆஜ் மை இஸ்கோ ஹஸ்தே ஹஸ்தே காவ் லேகே ஜாவுங்கா. ஐ அம் சோ ஹேப்பி சார். इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि मैं उससे शादी कर रहा हूं। शादी? लेकिन वो बॉम्बे का बीवी सर। उसको मैं तलाक दे रहा हूं। यह फैसला मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, यह फैसला मेरी बीवी ने मजबूर किया है मुझे लेने पर। लेकिन शादी मैं मजबूरी में नहीं कर रहा हूं, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। सर सर, यू आर ग्रेट सर, ग्रेट सर। शिल्पा इंगेवा, मीना इंगेवा, सर शिक्रवा, शिक्रवा सर, डिसाइड किया मीना से शादी सर, ग्रेट। क्या शादी करेगा सर मीना से? अरे सर,
आपने तो मीना की जिंदगी बना दी। बहना अन्ना ना उर्ग बोरे मैरिज हुए ना भाई मूड मुट्टाल पागल हो गई क्या? जिंदगी में इतना चमक मिला और तू? अरे तू कहाँ जाना चाहता है? आड़ पर इलका आई लिव्ड पोदों का पोदों सिर्फ सात दिन इल्ला सात दिन इल्ला सात जन्मा मैरिज हुए ना पोदों हैप्पी हैप्पी वेरी हैप्पी मारों में तुम्हें कितना दुख हो रहा है सात जन्म नहीं सौ जन्म जीने तुम्हारे साथ फ्लोरा डैड उस घटिया आदमी के मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता आखिर हमारे और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है मैं नहीं चाहता कि तुम अपना कीमती वक्त उस गंदे के लिए बर्बाद करो यू डोंट लाइक हिम यू इग्नोर हिम Come on, let's go back. No, Dad. He slapped me, Dad. How dare he slap me? I want to kill him, Dad. I want to kill him. No. No. No, you will not do anything like this. I want to kill him. You want to punish him, no? Yeah. उसे हम punish करेंगे. मेरे पास हजार जरिए हैं उसे punish करने के लिए समझते हो? I want you to relax. No, Dad. All of this. All of this. Peter. Okay, sir. Sir, Bombay जाना अभी जरूरी है क्या? हाँ. ये सब लीगल मैटर पूरे करने हैं फ्लोरा के पिताजी से मिलना है और कंपनी के कागजात वापस करने हैं बस ये सब दो दिन में पूरे करके वापस आता हूँ अरे तो ऐसा माहौल में आप अकेले क्यों जाता मैं चलता है ना आपके साथ दो चार लड़का लोग लेके वहाँ कोई लफड़ा हुआ तो मैं ठीक तो कर लेगा फिक्र मत करो संभाल कर आता हूँ वापस और मीना का ध्यान रखना यहाँ पर मत रखना किसी सुरक्षित जगह पर रखना ऊटी का प्रॉब्लम नहीं आप चिंता ना करो ये रखो ये क्या है सर अरे मीना तुम्हारे साथ दो तीन दिन रहेगी कुछ भी खर्चा आ सकता है इसे रखो अरे सर आप मेरे को छोटा मत करो सर मैं उसका अन्ना मैं उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है सर समझो सर प्लीज तो मेरा भाई आप अपना ध्यान रखो सर संभल कर जाना अपना ख्याल रखना कुट्टी के मोबाइल पे फोन करता हूं मैं चलो अब तुम जाओ चलो गुड्डी बाय सर बाय यार सर निंगा है ना वेनम वो जॉन और वो लड़की कहाँ है अच्छा वो बंबई वाला अभी गया कहाँ गए पता नहीं मालूम नहीं सर मालूम नहीं झूठ बोलता है साले तू मालूम नहीं सर मालूम नहीं मालूम तुझे नहीं मालूम सर और वो दल्ला कुटी वो भी मालूम नहीं सर वो भी नहीं मालूम नहीं सर साला हम सब पता कर लेगा समझा चल यहाँ
मीना देखो ये मेरे दोस्त का घर, यहाँ खुश खुश रहो, यहाँ कोई नहीं आ सकता। भाई मार का? हाँ। जब तक तेरा ये अन्ना जिंदा, इस ऊटी में कोई जन्म नहीं लिया जो तेरे को छू सके। क्या हुआ? तेरी माँ का ना का गोता ते बढ़िया पया यार नहीं अक्का में हाथ जाए तू सारे खून पी लूँगा तेरा मैं और बताइ होती छोड़ना नहीं सर माँ का साले और अक्का हाथ जाता है तू ये हरामी तेरी मैं यहाँ तुझे मारने के लिए नहीं आया। बता साले वो लड़की कहाँ पर है? मालूम नहीं बताएगा। बताएगा साले मानेगा नहीं तू। बता कहाँ है वो लड़की? नहीं बताएगा। नहीं बताएगा? मैंने उसको छिपा के रखा लेकिन नहीं बताएगा। नहीं बताएगा तो साले तू मर जाएगा। बता देगा तो वो मर जाएगी। नहीं, तू मेरी बात नहीं मानता ना साले तो ले मर। सर हाँ कुटी बोलो मीना को बचा लीजिए। कुटी क्या हुआ? हमें कुछ नहीं हुआ, मीना को बचा लीजिए। आप मेरे बहन को अरे कुटी कहाँ है वो लोग? आप सिर्फ और सिर्फ मेरा बहन के साथ रही है, वो लोग अच्छा नहीं है। साली को तुम्हारे साथ कौन रह सकता है? आप जाओ, जाओ अपनी बीवी के साथ, प्लीज। साथ जन्म जिया ना, वेरी हैप्पी, वेरी। मुझे तुम्हारे साथ 100 जन्म जीना है, इसकी फिक्र मत करो। नहीं,
आपकी जान मेरे लिए कीमती। अब जाओ। तुझे तो मरना चाहिए साली। यादों के छिन पल छिन